नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुयानी शुक्ला। खबर सुल्तानपुर से आ रही है। प्रधान व कोटेदार छीन रहे गरीबों के मुंह का निवाला। मामला सुल्तानपुर जिले की तहसील बल्दीरा ग्राम सभा तौधिकपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीते 28 अक्टूबर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरित किया गया था, जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चीनी प्रति कार्ड 3 किलो 18 रुपये की दर से 54 रुपये के बजाय 60 रुपये ग्राम सभा के कोटेदार अनिल सिंह के द्वारा वितरित की गई थी। स्थानीय पत्रकार द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के पश्चात कड़ा विरोध एवं आपत्ति जताने पर दोपहर करीब 3 बजे के बाद बचे अंत्योदय कार्ड धारकों को 54 रुपये में वितरित की गई। वहीं दूसरी तरफ राशन की दुकान में राशन खत्म होने के कारण 30 से अधिक कार्ड धारकों को कोटेदार द्वारा झूठा झांसा देकर बैरंग घर वापस भेज दिया गया कि 1-2 दिन में राशन का वितरण पुनः राशन आने पर किया जाएगा, जबकि कार्ड धारकों का आरोप है कि अंगूठा कोटेदार अनिल सिंह के द्वारा करीब 10 दिन पहले ही लगवा लिया गया था और राशन आज भी नहीं मिला है। लूट बाजारियों काला बाजारी कर सरेआम जनता का शोषण किया जा रहा है एवं संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को भनक तक नहीं लग रही है। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ सुल्तानपुर से जिला रिपोर्टर अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आज महीने की लास्ट 31 तारीख हो गई है, कोटेदार अनिल सिंह के द्वारा आप लोगों को राशन दिया गया है कि नहीं? नहीं। और अंगूठा लगवा लिया गया है? अंगूठा 10 दिन हो गया लगवाते। 10 दिन? हाँ। और राशन अभी तक नहीं दिया? राशन नहीं मिला। कार्ड धारे यहाँ पर हैं? कार्ड आपने ही जमा कर रखे हैं? अच्छा। कार्ड दे दें, आप नहीं दे पा। और कितने लोग बाकी हैं? कम से कम जितने लोग कम से कम अभी 20 या 25 लोग बाकी हैं जिनको राशन नहीं मिला। पूरा हमारे टोला ही टोला बाकी है राशन के लिए। ठीक। अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन देने के लिए नाम ही नहीं लेते। अभी कल तो आए थे वहाँ पे, थे मुलाकात नहीं की आप लोग उनसे? उन्होंने मिला ही नहीं उनसे। चलिए ठीक। और इसके पहले जो 15 तारीख के पहले वाला बटता है वो तो मिला? पैसे वाला मिला, वो मिला है। हाँ। दोबारा जो हुआ खाद्यान्न वितरण फ्री वाला, उसका नहीं मिला? नहीं मिला। उस दिन बांटे थे तो आप लोग गए थे वहाँ पे? गए थे, राशन ही खत्म हो गया था कोटे का। ठीक, कल मिलेगा? कल नहीं, कल से आज तक। ठीक है।